अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहता हूं मान्यवर डॉक्टर दिलीप मंडल जी जो वरिष्ठ पत्रकार नई दिल्ली के सामने इस समय जो सबसे बड़े सवाल हैं उनको उठाने के लिए आ, क्योंकि दरअसल ये सारे सवाल अगर आप लोग नहीं उठाएंगे तो शायद और कोई नहीं उठाएगा इसलिए भी जरूरी है आ, मेरे पास ये आ, न, न, मौका है कि वामसेफ के मंच पर मैं ये बात कहूँ और मैं जानता हूँ कि कितने गंभीर मंच के सामने मैं ये बात कह रहा हूँ इसका अंदाजा आप लोगों को इस बात से लगेगा कि मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि हाल के वर्षों में हाल के कुछ महीनों में तमाम अखबारों में और तमाम मंचों पर जो इस देश का अपर कहा जाता है उसके लेखक लगातार ये लिख रहे हैं अभी पिछले पंद्रह दिन के अंदर में कमीश त्रिपाठी का टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिट पेज पर भी लेख आया था कि आर्यन इन्वेशन थ्योरी गलत है और आर्य इस देश के मूल निवासी हैं तो क्योंकि इसका कोई काउंटर आर्गुमेंट कि आर्य विदेशी हैं कहीं नहीं छप रहा है तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी सफाई यहाँ पर दी जा रही है मुझे लगता है वो सफाई बामसेफ को पर दी जा रही है बामसेफ ने नीचे ही नीचे चुपचाप बगैर शोर किए ये माहौल बना दिया है जिसकी वजह से दिल्ली में करोड़ों रुपये खर्च करके इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं जहां ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि आर्य भी इसी देश के हैं ये छोटी बात नहीं है बहुत बहुत दम लगा होगा बहुत ताकत लगी होगी बहुत सारे मजबूत तर्क जुटाए गए होंगे बहुत एक लॉजिक सिस्टम तैयार किया गया होगा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया होगा वामसेब जैसे संगठन के द्वारा जिसकी सफाई आज इस देश के सबसे बड़े मंचों पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी पिछले दिनों एक सेमिनार हुआ था ये साबित करने के लिए कि राम का जन्म काल लगभग पांच हजार ईस्या पूर्व है इसका सीधा सीधा मतलब है कि राम यहीं के मूल निवासी हैं कुल सफाई इस बात की दी जा रही है सरस्वती नदी जो है वो उसके किनारे वेद रचे गए और वो नदी इतने हजार साल पुरानी है ये सारे तर्क असल में वामसेफ के उस तर्क के जवाब में आ रहे हैं कि जो वामसेफ ने बहुत मेहनत के साथ और बहुत वैज्ञानिक तरीके से एक तर्क शास्त्र गढ़ा है जिसकी कोई काट उनके पास नहीं है इस पर खैर और बात हो सकती है बाद में कभी हम लोग करेंगे कि ये जो आर्य विदेशी हैं इसका इसका पूरा थ्योराइजेशन असल में अप्रकाश ने एक समय किया था ये साबित करने के लिए कि हम लोग अंग्रेजों के कितने करीब हैं आर्यन इन्वेशन थ्योरी किसी मूल्यवासी की बनाई हुई थ्योरी नहीं है ये केशव चंद्र सेन और तिलक की बनाई हुई थ्योरी है जो ये बता रहे थे कि हम लोग आर्कटिक से आए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं उस समय उनका एक मतलब था आज उनका दूसरा मतलब है तो ये बहुत कनिंगनेस है भी ये बहुत मक्कारी है धुरता है जिस समय अंग्रेज थे उस समय वही अपरकाश्च लगातार कह रहा था कि हम यूरोपियन हैं और उनके जाते ही वो कहने लगे कि हम हम भी यहीं के हैं मतलब तो अजीब किस्म का ये एक तर्कशास्त्र उन्होंने गढ़ा था खैर पहले सबसे पहले तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि वामसेफ के मंच पर जब मैं कह रहा हूँ तो मैं इस बात को किस गंभीरता से और किस उम्मीद से कह रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर मेरी बात में तर्क होगा और उस तर्क से आप सहमत होंगे तो ये बात करोड़ों लोगों तक हो सकता है अगले एक महीने के अंदर में आप लोग पहुँचा देंगे इस भरोसे, भरोसे के साथ ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी पिछले पंद्रह दिन के अखबार और टेलीविजन अगर आपने देखे होंगे तो एक जो खबर सबसे ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में आई होगी जो डाली गई होगी जो बात सबसे ज़्यादा आई होगी वो इशू निर्भया कांड पर अभी जो विवाद चल रहा है और जू की क्या परिभाषा होनी चाहिए 16 साल 18 साल इसका भी डिबेट और इस पर राज्यसभा और पार्लियामेंट की डिबेट मेरे ख्याल से ये मुद्दा आप में से हर किसी को मालूम होगा कि निर्भया कांड में वो जो उस समय जू था जो बच्चा वो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए इसको लेकर एक बड़ी लंबी डिबेट है अब मैं जी के उस बात से अपनी बात शुरू करता हूं जो उन्होंने कहा था कि evidence, evidence के कितने लोग हैं इसका आंकड़ा हमारे उनके पास मालूम है वहां तो खैर सब चीज का आंकड़ा मालूम है आज की तारीख में आप अभी अगर आपके इंटरनेट आपके मोबाइल पर है और सिर्फ ये डालने डालिए उसमें कि वहां पर दो नस्लों के बीच कितनी शादियां हुई थी तो इत, इसके तक के आंकड़े वो इकट्ठा करते हैं भारत उस मामले में बहुत अपने आप से शर्मिंदा होने वाला देश है जहां सच का पता न चले इसकी इतनी ज्यादा कोशिश है तो क्या पत, ऐसा कोई आफत हो जाने वाली कोई आग का गर्म गोला है छत्तीस डिग्री टेम्परेचर का छू देंगे तो जल जाएगा टाइप वाला एक पूरा भाव है खैर तो क्योंकि अमेरिकी जेलों में आपको आज की तारीख में मालूम है कि ब्लैक्स कितने हैं और ब्लैक्स ज्यादा हैं आबादी से लगभग तीन गुना ज्यादा ब्लैक्स हैं अभी पिछले दिनों में एक फिल्म देख रहा था पांच सात दिन पहले मेरे बेटे ने दिखाई गर्ड आयरन गैंग उसमें वहां का जुविनाइल होम का पर एक फिल्म बनाई गई है कि जो बच्चे वहां पर अपराध करके आते हैं वो वहां पर स्थिति यह है कि पचहत्तर प्रतिशत उनमें से बच्चे वापस उन्हीं जगहों पर उन्हीं जेलों में फिर से आते हैं या मारे जाते हैं सिर्फ 25 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य जीवन में लौट पाते हैं तो ये अमेरिका के जुविनाइल होम का जो वहाँ का डाटा है वो है और वहाँ पर ब्लैक्स और स्पेनिक्स मुख्य रूप से ज़्यादा हैं वाइट्स बहुत कम हैं अब जुविनाइल वाली जो डिबेट है वो ये है कि 16 साल से ऊपर का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी वयस्कों को मिलनी चाहिए इक्कीस साल बाईस साल पच्चीस साल तीस साल का आदमी जो करता है वही सजा मिलनी चाहिए आज का कानून ये है कि अठारह साल से कम उम्र का बच्चा है तो बच्चा है जुवेनाइल है उसकी सजा कम है अब आप अपने आसपास के एक जुवेनाइल होम की कल्पना कीजिए जो आमतौर पर तीन चार जिलों में एक होता है राज्यों की राजधानियों में तो जरूर होता है अगर आपको ये आंकड़ा मिल जाए कि उन जुवेनाइल होम में जो बच्चे हैं उनमें से निन्यानबे प्रतिशत या अठानवे प्रतिशत बच्चे एस सी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी के हैं ये जानकारी अगर आपके पास हो लगभग इस तरह का ही आंकड़ा आएगा अगर इस तरह के अगर कास्ट सेंसस के बाद का जो अगला चरण है कि जाति के आधार पर सारे जुटाए जाएंगे ये प्रक्रिया दरअसल शुरू हो जाएगी तो अगर ये आपको आंकड़ा पता चला कि इन जुनाइल होम में जो बाल सुधार गृह है इसमें ज्यादातर बच्चे लगभग होता है कहीं कहीं सौ प्रतिशत बच्चे एस सी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी के हों अगर ये आपको पता हो तो आप इस डिबेट में शायद ये पक्ष लेंगे कि नहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर एक रियायत मिलती है बालपन में उनसे कोई गलती हुई उसको वो सजा नहीं दे सकते हैं जो 20-22 साल के बच्चों को दे सकते हैं तो शायद आप वो पोजीशन लेंगे जो पोजीशन ज्यादा मानवीय है और दुनिया के ज्यादातर देशों में क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बच्चा माना जाता है अपराध के मामले में आप वो पोजीशन लेंगे लेकिन आज अगर वो आंकड़ा आपके पास नहीं है तो आप मीडिया के साथ मुख्य धारा में बह जाएंगे और ये कहेंगे कि 18 साल 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ने अगर किसी गुस्से में किसी का मर्डर किया है तो उसको फांसी पर टांग देना चाहिए पता नहीं इस बात की बारीकियों से मैं आपको कितना कन्विंस करा पा रहा हूँ लेकिन आप इस बात को फिर से सोचें अगर आपको ये मालूम हो कि जोवेनाइल होम में बाल सुधार गृहों में ज्यादातर बच्चे आपके हैं आपकी कम्युनिटी के हैं अपर कास्ट के बच्चे वहां नहीं जाते हैं तमाम कारणों से नहीं जाते हैं जो डिशियल सिस्टम है उनकी पहुंच है नेटवर्किंग है तमाम वजहों से वो वहां से बच जाते हैं तो शायद आप वो वो उस उस पॉलिसी में पोजिशन लेंगे जो पोजीशन आपके अपने हित में है और ज्यादा मानवीय पोजिशन भी है तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कास्ट के आंकड़े अगर आपके पास हों तो ऐसी हजारों पॉलिसीज होंगी जिसमें आपकी पोजिशन वो होगी जो आपके पक्ष में होगी तो एक तो ये एविडेंस के बगैर पता नहीं इस देश की नीतियां कैसी चलती हैं एक ओबीसी फाइनेंस कमीशन है और हर राज्य को ओबीसी डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड दिया जाता है अब किसी भी राज्य में कितने ओबीसी हैं इसका आंकड़ा इस देश की सरकार के पास नहीं है अब किस राज्य को कितना ओबीसी का फंड देना है ये कैसे तय होता है पार्लियामेंट में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो जवाब बहुत अजीब सा था जवाब ये था कि जरूरत के हिसाब से देते हैं कैसे मालूम मतलब किस राज्य में कितने ओबीसी हैं इसको ये आपके पास नहीं है ओबीसी फाइनेंस कमीशन है जो लोन दे रहा है ओबीसी के विकास के लिए पैसे दे रहे हैं लेकिन आपको मालूम ही नहीं की कि ओबीसी कितना है मतलब आप आंख मूंद कर इस देश की पॉलिसीज को चलाते रहना चाहते हैं अब सवाल ये है कि क्या असल में समस्या क्या है जाति के आंकड़े जानने में दिक्कत क्या है ऐसी क्या बात है मतलब आपको क्या ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ये पता चल जाएगा कि इस देश में बावन प्रतिशत ओबीसी है इससे क्या बदल जाएगा आपको अभी भी मालूम है बहुत हुआ पचपन प्रतिशत हो जाएगा क्या बदल जाएगा तो क्या ऐसा ऐसा इसी कौन सी आफत है जिसकी वजह से इस देश में देखिए एक सवाल कई बार पूछता हूं अपने विद्यार्थियों से भी अपने स्टूडेंट से पूछता हूं और बात भी करता हूं कई जगह मैंने यह कहा आप इस देश में किसी व्यक्ति से सड़क चलते एक व्यक्ति से पूछिए पढ़े लिखे व्यक्ति से कि कास्ट सेंसस होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके जवाब के आधार पर आप

स्कूल के मास्टर्स का एक सर्वे कर लीजिए अगर वो कास्ट सेंसस का विरोधी है तो अपर कास्ट का है इसके चांसेस सौ प्रतिशत है लगभग तो आप कास्ट सेंसस के महत्व को हम जानते हैं नहीं जानते हैं ये सवाल नहीं है कास्ट सेंसस के महत्व को वो बहुत अच्छे से जानते हैं इसके इस सवाल पर जितनी बड़ी यूनिटी बनी है अपर कास्ट के अंदर में उतनी बड़ी यूनिटी रिजर्वेशन के क्वेश्चन पर भी नहीं बनी है रिजर्वेशन में तो फिर भी है कि चलो ठीक है पचास प्रतिशत अब हो ही गया लेते ही हैं तो ठीक है मतलब ये आपको प्रकाश के अंदर में एक उदार तबका दिख जाएगा लेकिन कास्ट सेंसस के सवाल पर ऐसी उदारता भी आपको नहीं दिखेगी कास्ट सेंसस का सवाल ऐसा है जिस जिस पर पूरा देश एक लाइन बटी हुई है, इस, एक, कुछ इस है कुछ लोग इस तरफ हैं कुछ लोग इस तरफ हैं और मतलब नारे के तौर पर तो ठीक है कि पचासी मूल निवासी मिलता है इसलिए हम नारा लगाते हैं

उस समय देश के सारे बड़े अखबारों में जो लेख छपे उनको देखा और उनका संपादकीय लिखा देखा पूरा अपर कास्ट कंट्रोल मीडिया एक अपवाद नहीं है एक भी अखबार ने यह गलती नहीं की कि कास्ट सेंसस होना चाहिए जिस दिन छह और सात मई 2010 ये आप तारीख बता रहे थे देश की पूरी संसद हर पार्टी बीजेपी के मुंडे जी से लेकर बीजेपी के हुक्मदारा देवनारायण यादव से लेकर कांग्रेस बीजेपी सब ने कहा था कि कांसस होना चाहिए उसके बाद वाले दिन इस देश की अपर कास्ट कंट्रोल पूरी मीडिया ने कहा कास्टेंस नहीं होना चाहिए इस देश का हर बुद्धिजीवी जो आमतौर पर अपर कास्ट का है जो कम से अखबारों में ज्यादातर छपता है और चैनलों में आता है उसमें उसके अंदर इतनी बड़ी यूनिटी कहाँ से बन गई कोई 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 तो ऐसी चीज है जो इनको जोड़ रही है मतलब ये आप समझिए कि वो फेविकोल का जोड़ है तब यहाँ वो जैसे ना बिनानी सीमेंट का एड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अपर कास्ट माइंडसेट के हर व्यक्ति को बहुत जबरदस्त ढंग से जोड़ दे रहा है इस वजह से भी वामसेब जैसे संगठनों को ये सवाल उठाना चाहिए दूसरी बात अगर देखें कि जिस समय की बातचीत जिस समय चल रही थी उस समय देश में और क्या क्या हो रहा था मतलब 2009 10, 11 यही समय है ना जिस समय कि की पूरी डिबेट चल रही थी आपको मैं एक दो चीजें बताता हूँ देश में और क्या क्या हो रहा था क्यों नहीं होनी चाहिए कि यूनिटी क्यों बन रही थी चौदह um, जुलाई दो हजार दस सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है ये केस है तमिलनाडु में 69 परसेंट रिजर्वेशन है कर्नाटक सरकार 72 परसेंट रिजर्वेशन देना चाहती है झारखंड सरकार तिहत्तर प्रतिशत रिजर्वेशन देना चाहती है इस केस पर बात होती है और सुप्रीम कोर्ट ये सीधे सीधे नहीं कह पाता है कि हम इतना आपको रिजर्वेशन नहीं दे, दे पाएंगे वो कहता है कि आंकड़े लेकर आइए आपके पास आंकड़े नहीं है अगर कास्ट सेंसस होता तो आंकड़े होते और कर्नाटक इस समय बहत्तर प्रतिशत बहत्तर प्रतिशत रिजर्वेशन दे रहा होता झारखंड इस समय तिहत्तर प्रतिशत रिजर्वेशन दे रहा था, और देखा देखी इस देश के तमाम राज्य 50 परसेंट की सीमा को ब्रीच कर रहे होते फिफ्टी परसेंट का रिजर्वेशन इस देश के संविधान में नहीं है इस देश में बालाजी जजमेंट से आया है पांच जजों की बेंच ने यह कहा था कि और वो भी सुझाव था दरअसल ऐसा भी नहीं था कि वो कोई उस तरह का फैसला था बालाजी जजमेंट ने यह कहा था कि आरक्षण हमें लगता है कि पचास प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर उस ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच का इसके बाद का जो फैसला अगर लागू हो जाए तो इस देश में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार हो जाएगी अपर कास्ट का डर यहाँ पर है ये आंकड़े होते ही असल में इस देश में लोगों को उस हकीकत का पता चल जाएगा जिस जिस हकीकत का ये नहीं चाहते हैं कि पता चले और इस वजह से इन्होंने इस कास्ट सेंसस पर पार्लियामेंट में सहमति बन गई लेकिन इस देश में पार्लियामेंट से बड़ी एक और पार्लियामेंट चलती है दरअसल वो इस देश की जाती है जो इस देश की ब्यूरोक्रेसी को पूरा का पूरा कंट्रोल करती है जिस समय ये छह सात मई को 2010 को पार्लियामेंट ये फैसला कर रही थी उस उस आ, संसद के उस फैसले के उसी सेशन में एक सवाल पूछा गया था कि इस देश में जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है सेक्रेटरी लेवल पोस्ट 88 पोस्ट हैं उसमें एस सी के कितने लोग हैं और जवाब आया था एक भी नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि वो फैसला जिस समय आया था उस समय देश में और क्या-क्या हो रहा था तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये क्योंकि अपरकाश कंट्रोल है रस्टार जनरल ऑफ इंडिया एक ब्यूरोक्रेट होता है जो कि सेंसस कराता है तो इन लोगों ने उसी समय से ये तय कर लिया था कि सेंसस को नहीं होने देना है और जिसकी बात मिश्राम साहब कह रहे थे कि सेंसस एक्ट से बाहर निकालना वो उपकरण था वो टूल था जिससे उन्होंने तय कर दिया कि इस जो बाद में जो एस सी हो रहा है इसके आंकड़े या तो कभी नहीं आएंगे ये आएंगे जैसे सेंसस एक्ट में अगर ये सिर्फ एक कॉलम डालना था कि कास्ट कास्ट में एक ऑप्शन ये ले सकते थे कि ओबीसी भी साथ में डाल देते या ये भी कर सकते थे कि कास्ट आप पता कर लेते और ओबीसी क्योंकि आपके पास कंप्यूटराइज है और ये सारे सब कुछ तो पता है उन्नीस सौ बत्तीस तो हैं तो जिनसे तो के सेंट्रल लिस्ट में उसमें आप हर स्टेट की लिस्ट और जोड़ दीजिए मतलब तो इतना मुश्किल नहीं है 1911, सौ 1931 में जिस समय कंप्यूटर नहीं था उस समय जबकि ब्यूरोक्रेसी छोटी थी इस देश में कास्ट सेंसस होता है जाति के हर आंकड़े आते हैं उन्हीं उसी 1931 के आंकड़े के आधार पर इस देश में आज की तारीख में 2015 की पॉलिसी चल रही है मंडल कमीशन उसे उन्नीस सौ के आंकड़े ले रहा है

अजीब तरीके से इस सवाल को मतलब दरअसल मुझे लगता है कि ये इस देश का सामाजिक टाइम बॉम है ये जब फट गया जिस दिन कास्ट सेंसस का उस दिन ये देश वैसा नहीं रह जाएगा जैसा आज है एक सवाल आप कल्पना कीजिए कास्ट सेंसस है ना सिर्फ ओबीसी सेंसस तो नहीं है कास्ट सेंसस के बाद अगर ये पता चल जाए कि जिसको हम अप्रकाश्ठ कहते हैं जिसमें हम पंद्रह परसेंट मान रहे हैं जो कि हो सकता है कि छह परसेंट भी हो सात परसेंट भी हो जो भी हो पंद्रह परसेंट ही मान लेते हैं इसके अंदर कोई एक जाति है जिसने कि सिक्सटी परसेंट कंट्रोल कर रखा है तो अपर कास्ट की यूनिटी बचेगी क्या अपर कास्ट को इससे डर नहीं लगना चाहिए अपर कास्ट को जो कास्ट कास्ट कंट्रोल कर रही है उसको डर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए तो कास्ट सेंसस अगर हो गया हर जाति के आंकड़े आ गए तो मुझे लगता है कि अपर कास्ट की जो यूनिटी है आज की तारीख में अपर कास्ट अपर कास्ट के नाम पे एकजुट हो जाता है वो ये सवाल आज की तारीख में नहीं पूछ रहा है कि सेक्रेटेरिएट में कायस्थ तो गायब हो गए तीस परसेंट से ज्यादा हुआ करते थे आज की तारीख में आप देखिए जो वो हो सकता है किसी किसी राज्य में तो आप हिंद जो इवन आ, हिंदी बेल्ट के राज्य हैं हो सकता है कि वहाँ पर आज की तारीख में पाँच परसेंट कायस्त रह गए हैं कायस्त सवाल पूछेगा ना कल को भाई हमारी संख्या तो लगभग ब्राह्मणों के बराबर है हम क्यों नहीं है तो ये यूनिटी भी असल में टूटती है मेरे ख्याल से यहाँ पर भी उनको डर है सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ बावन परसेंट या पचपन परसेंट का आंकड़ा आ जाएगा इतना सिंपल मामला होता तो मान लेते वो कि ओबीसी की संख्या पता चल गई अगर इतना सीधा सा मामला होता तो मान गए होते क्योंकि इससे और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे ये बहुत इस तरह के जो अपर कास्ट अपर कास्ट नहीं है उसमें भी लेयर्स हैं कुछ लेयर उसमें भी ऊपर है कुछ लेयर उनमें भी नीचे है इस तरह की जो मतलब एक आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज जैसा हो जाएगा कि ये एक लेयर को धूल का हटाया तो एक लेयर और निकल आया पता चला कि ये लेयर तो बहुत मोटी लेयर है संख्या तो उसकी इतनी ही है तो आप इस तरह के जो की के आंकड़े जब आएंगे तो मुझे लगता है कि ये देश वैसा नहीं रह जाएगा इस देश की सारी डिबेट्स बदल जाएंगी इस देश में बहुत सारे वो सवाल पूछे जाएंगे जो आज तक नहीं पूछे गए थे और ये भी देखिए कि 1911 से शुरू होता है 21 होता है 31 होता है 1941 में भी कास्ट सेंसस होता है आंकड़े इसलिए नहीं आ पाते हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है उन्नीस में इसलिए नहीं जुटाया जाता है क्योंकि उस समय की सरकार ये मानती है कास्ट तो खत्म हो जाएगी लेकिन जाति कहा जाती है जाति तो है और रह गई है और उसके आधार पर पॉलिसीज भी बनती है पॉलिसीज आंख बंद करके बनती है कुछ नहीं पता लेकिन पॉलिसीज बनी जा रही हैं और इस देश की बहुसंख्यक आबादी के बारे में कुछ भी जाने बगैर लगातार इस तरह से पॉलिसीज़ बन रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर जिस तरह से लगातार अजीब अजीब किस्म के इसमें तर्क आते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस गृह मंत्रालय के तहत हुआ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कराया गृह मंत्री उस दिन दिल्ली में मौजूद हैं और इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस जाति गिनने से जातिवाद बढ़ जाएगा मतलब जैसे कि है ही नहीं पहले से मतलब 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 वो आप मतलब ये क्या एक मतलब एक एक जस्टिस कर्नाटक के उन्होंने इस, इसका जवाब दिया था ये लगभग वैसी ही बात है कि गोडाउन में आपके बहुत सारे बोरे हैं उस बोरे में आप अगर चावल या गेहूं लिख देंगे तो चूहों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर चावल या गेहूं है।, है ना गेहूं रखा हुआ है चूहों का पता है तो हो सकता है ना पता चले तो बाप का नाम क्या है पूछ लेगा मतलब ये तो देश है शादियां उसके बगैर नहीं हो सकती संबंध उसके बगैर नहीं बन सकते हैं नौकरियों में इंटरव्यू से लेके कहा पर वो नहीं पूछा जा रहा है मतलब चूहों को शायद पता नहीं था तो उनको

मतलब ये ये अजीब अजीब किस्म के तर्कों के आधार पर मतलब जैसे अजीब एक आप जो टेक्निकल सवाल कह रहे थे टेक्निकल ऑब्जेक्शन क्या था एक ऑब्जेक्शन ये था कि लोग अपनी जाति गलत लिखवा देंगे अच्छा मैं अगर एक्स जाति का हूँ मैं अपनी जाति कुछ और लिखवा दूँ तो मेरी जाति की संख्या कैसे बढ़ जाएगी अगर मैं अपनी जाति की संख्या ज़्यादा ज़्यादा बताना चाहता हूँ तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं अपनी जाति की सही जानकारी दूँ मतलब आप जैसे यादव हैं आप चाहते हैं कि यादवों की संख्या ज्यादा पता चले इसका आपको इसके अलावा क्या तरीका है कि आप खुद को यादव बताएं? कैसे करेंगे आप तो हर आदमी की मतलब उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो किसी भी वजह से अपनी जाति गलत क्यों बताएगा तो अगर और आप यही ये बात शेड्यूल कास्ट के मामले में तो भरोसा कर लेते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर ही तो कर रहे हैं कोई व्यक्ति अपनी और कास्ट में गलत बता दूं तो क्या मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा मतलब एक तो तो लेने का तो ले जाएगा सारी प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी और अगर वो उस समय कर सकता है तो आज भी कर सकता है फर्जी सर्टिफिकेट आज भी बन सकता है तो ये ये इस तरह के तर्कों के आधार पर जिस तरह से कास्ट सेंसस को खारिज करने की कोशिश हुई है तो ये कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसकी गंभीरता से हमसे ज्यादा वो वाकिफ हैं जिसको किससे डर लग रहा है तो आम तरह के तर्क देखिए ये आप आ, अगर आप देखें तो 2001 की जनगणना जो है 2011 से ये कहानी शुरू नहीं होती है कास्ट सेंसस की कहानी अगर आप देखें तो इस देश में आ, पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था दूसरा जिसको मंडल कमीशन जानते हैं के नाम से उसकी रिपोर्ट आप लोगों को अभी भी इंटरनेट पर आप मंडल कमीशन रिपोर्ट डालेंगे तो मिल जाएगी पूरी की पूरी रिपोर्ट वहां पर पहली बार आया था कि हम जाति गिनना चाहते हैं ओबीसी को क्या मिले इससे पहले जानना चाहते हैं कि ओबीसी कितने हैं हमारे पास ये आंकड़े नहीं है हम उन्नीस के आंकड़े से काम चला रहे हैं सरकार को चाहिए कि जाति जनगणना कराकर इसके आंकड़े इकट्ठा कराए तो ये कहानी थोड़ी पुरानी है ये जब सरकार ने मान जब इस, इस आयोग को की रिपोर्ट को जब उन्होंने स्वीकार किया उस समय से ये किस्सा शुरू होता है उन्नीस सौ तिरानवे चौरानवे में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट ने सिफारिश की कि कास्ट सेंसस होना चाहिए उन्नीस सौ सतानवे में जिस समय देवगढ़ा की सरकार आती है उस समय देवगढ़ा सरकार के कल्याण मंत्रालय ने एक कैबिनेट नोट मूव किया और कैबिनेट में वो अप्रूव हुआ कि आ, कास्ट सेंसस होना चाहिए ये पहला पहली बार भारत सरकार ने देवगढ़ा के समय में एक ओबीसी प्रधानमंत्री के समय में ये तय हुआ कि कास्ट सेंसस इस देश में करा लिया जाए ये है उन्नीस का कैबिनेट नोट है नंबर 2011 हज़ार ग्यारह पब्लिक बारह बीसीसी नाम से तो ये कैबिनेट नोट बनता है और ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजा जाता है कि इस अगला जो सेंसस होने वाला है मतलब उन्नीस सौ नब्बे इक्यानवे के आसपास मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है स्वीकार की जाती है उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस उन्नीस सौ तिरानवे चौरानवे में कहता है कि कास्ट सेंसस करा लेना चाहिए और इसके बाद जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार आती है वो कहती है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए कैबिनेट में फैसला हो जाता है कायदे से उस फैसले के बाद 2001 की सेंसस में कास्ट सेंसस हो जाना चाहिए लेकिन इस बीच में क्या होता है वाजपेयी जी की तेरह दिन की सरकार आती है तेरह दिन की सरकार में ही वाजपेयी जी ये फैसला करते हैं कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए कितनी हड़बड़ी है मतलब एक ऐसी सरकार जो संजोक से थोड़ा ओबीसी के पक्ष में झुकी हुई थी पहली बार कहती है कास्ट सेंसस होना चाहिए और वाजपेयी जी की सरकार आती है और वो ऑर्डर नंबर फोर सेवन टू नाइन एट सी ब्रैकेट में जनरल इससे लालकृष्ण आडवाणी उसमें गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय ही रजिस्ट्रा जनरल ऑफ इंडिया को कंट्रोल करता है उन्हीं उन, उनकी मंत्रालय का ही विभाग है और इस, इसमें वो एक नोट लगाकर भेजते हैं कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए और ये फैसला ये है हिंदी इंग्लिश दोनों में है यह तय किया गया है कि जाति के आधार पर जनगणना कराने की कोई आवश्यकता नहीं है मतलब इससे पहले की सरकार के फैसले को वाजपेयी की सरकार पलट देती है और कारण बताती है कि जाति हमारे समाज को बांटने वाली सबसे बड़ी ताकत है मतलब जाति जनगणना नहीं कराने से जैसे कि जाति खत्म हो जा रही है तो एक तो ये अभी जो एनडीए सरकार जो कर रही है आपको पिछले वाजपेयी सरकार के काम का एक तरह से कंटिन्यूएशन है और वो सारे आ, उसमें तीन तर्क दिए गए हैं कि क्यों कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए इसके बाद फिर दस साल लगभग निकलने निकलने को होता है और इस बीच में लगातार संसद में पूछा जाता है कास्ट सेंसस आप कराएंगे नहीं कराएंगे और सरकार लगातार ये कहती है कि कास्ट सेंसस हम नहीं कराएंगे 2010 में अजय माकन जिस समय वो केंद्रीय गृह गिरा, राज्य मंत्री हैं वो कह रही वो पहली बार ये बताते हैं कि कारण बताते हैं कि क्यों नहीं कराएंगे वो बता रहे हैं हिंदी में भी ये जवाब है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सेकुलर स्टेट की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे इसके बाद इस देश में मामसेफ और तमाम संगठनों ने इस बीच में कास्ट सेंसस का सवाल उठाया है और संसद में भी इस पर फिर सहमति बनती है कि कास्ट सेंसस कराया जाए इसके बाद फिर लेकिन एक ब्यूरोसी वहाँ पर रोल में आती है इस देश के बुद्धिजीवी रोल में आते हैं इस देश का मीडिया एक्टिव होता है और इसके बाद कास्ट सेंसस की जगह पर यह तय होता है कि दो uh, हज़ार में इनका टाइम है इस समय भी कि ये करा सकते थे क्योंकि उस समय तक सिर्फ सिर्फ हाउस लिस्टिंग हुई थी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था और कास्ट सेंसस इस देश में सिर्फ अट्ठाईस दिन के अंदर में पूरा होता है बहुत लंबी प्रक्रिया है लेकिन एक्चुअल काम अट्ठाईस दिन में होता है इनके इनके पास उस समय समय था कि 2010 के फैसले को 2011 की फरवरी में वो लागू करा सकते थे लेकिन चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री थे और उन्होंने कुल मिलाकर जो किया हुआ वो सब आपके सामने है उसके बाद ऐसी सी सी जिस तरह से कराने की कोशिश होती है और इस इसमें तो लगभग तय ही था कि ये आंकड़े इकट्ठा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेंसस एक्ट से जैसे ही बाहर आ गया इसमें बहुत सारी सुविधाएं खत्म हो गई सेंसस एक्ट में आप कराते हैं तो इस देश में आप शिक्षकों को इस काम में इम्प्लॉय कर सकते हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है शिक्षक मना नहीं कर सकता है कि हम इस सेंसस को नहीं कराएंगे लेकिन जैसे ही आप सेंसस एक्ट से बाहर निकालते हैं आप जो इसके साथ एक बाद में एक्ट और आ गया था शिक्षा का अधिकार एक्ट उसमें ये था कि सेंसस के अलावा किसी और गैर शैक्षणिक कार्य के, के लिए शिक्षकों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है इस वजह से शिक्षक जो है वो इस कैटेगरी से कम से कम बाध्यतामूलक रूप से बाहर हो गए इसके अलावा गलत जानकारी देने पर सजा गलत जानकारी इकट्ठा करने पर सजा ये सारा कुछ सेंसस एक्ट में है सेंसस एक्ट से जब सरकार ने मनमोहन सिंह सरकार ने इसको बाहर किया उसी समय ये तय हो गया था कि इसका इसका अब कुछ होना जाना नहीं है लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की का रवैया इस समय इस सरकार ने अपनाया है और देखिए कितने कितनी दिलचस्प बात है पता नहीं इस पर आपका ध्यान गया कि नहीं गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस गृह मंत्रालय के तहत हुआ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कराया गृह मंत्री उस दिन दिल्ली में मौजूद हैं और इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री नहीं करते हैं अरुण जेटली करते हैं और अरुण जेटली कहते हैं कि वो 46 लाख गलतियां और 46 लाख कास्ट सब कास्ट गोत्र और एक करोड़ से ज्यादा बच गई गलतियाँ छियालीस लाख तो इस देश में नाम नहीं होंगे पता नहीं इन्होंने क्या किस तरह से इस पूरे कास्ट इनेशन को करने का फैसला किया कि उनको इतना मिल गया और यही इससे बहुत कमजोर किस्म की ब्यूरोक्रेसी बहुत कम संख्या के साथ इससे पहले तमाम तरह के अंग्रेजों के समय में भी करती रही सूल कास्ट के आंकड़े आप जुटा लेते हैं स्वल्ड ट्राइब के आंकड़े जुटा लेते हैं सारी समस्या आपको बाकी जातियों के आंकड़े जुटाने में आती है क्योंकि इससे आपको दो खतरे हैं ओ बी सी कंसल्टेशन और अपर कास्ट का फ्रेगमेंटेशन अपर कास्ट के अंदर वो सवाल शायद पहली बार पूछे जाएंगे जिस दिन इस देश में कास्ट सेंसस हो जाएगी उस दिन इस देश में अपर कास्ट अपर कास्ट नहीं रह जाएगा इस देश में अपर कास्ट के भी लेयर्स खुल जाएंगे उनके अंदर के भेद भी खुल जाएंगे मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डर शायद वहाँ पर है ये इतना नहीं है सिर्फ कि संख्या पता चल जाएगी क्योंकि इस बीच में लगातार इस तरह के की सिफारिशें आती रही पंचवर्षीय योजना में आप देखिए इलेवेंथ प्लान का डॉक्यूमेंट जो अप्रोच पेपर है उसमें आप देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि वो ओ बी और तमाम जातियों के आंकड़े जुटा लिए जाएँ तो ये आंकड़े जुटाने की बात जब लगातार हो रही है ऐसे समय में जिस तरह से सरकार ने जो रवैया अपनाया है मेरे ख्याल से वो चिंता का विषय है और ऐसे समय में किसी भी ऐसे संगठन को जो इस देश को बेहतर लोकतंत्र बनाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए इसके बारे में निश्चित रूप से आप लोग विचार करेंगे मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन मेरे दो सुझाव है कृपया आप लोग इस पर मेरे ख्याल से विचार करें कि अभी तक जो हमारा पिछला सेशन भी था उसमें उसमें जो मुझे लगा उस पूरी बातचीत से भी कि अभी तक जो बातचीत चल रही है कास्ट जाति मुक्त समाज बनाने की और इस देश में सामाजिक लोकतंत्र लाने की जिसकी बात बाबा साहब अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में भी कहते हैं कि उसके बगैर ये देश देश नहीं बन पाएगा नेशन नहीं बन पाएगा नेशन इन द मेकिंग है तो ये बहस असल में अभी तक प्रॉब्लम ये हो रही है शायद कि 50 परसेंट रिजर्वेशन की एक लाइन खींची हुई है अपर कास्ट इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 50 परसेंट हमारे पास लगभग सुरक्षित है थोड़े बहुत कुछ लोग मेरिट से आ जाएंगे लेकिन कुल मिलाकर उनको भी हम इंटरव्यू वगैरह में रोक लेंगे तो फिफ्टी परसेंट पर हम हमारे पास है वो बहस को हमारे फिफ्टी परसेंट पर ले आ रहे हैं और हमारे हमारे गोलपोस्ट के आसपास खेल रहे हैं फुटबॉल के मैदान में कोई वो टीम नहीं जीत सकती है जो अपने हाफ में खेलती है आप अगर बहस को आरक्षण को डिफेंड करने के तर्कों से लड़ेंगे तो वो गेम आपके गोल पोस्ट के आसपास लड़ी जाएगी इसमें तमाम उस तरह के सवाल आएंगे कि दलितों के अंदर में भी दबंग जाति पैदा हो गई है आर्थिक आधार पर क्यों नहीं कर दें क्रिमी लेयर उन्होंने ओ में कर ही दिया है ट्राइब में क्यों नहीं कर दें आपके सेकेंड जनरेशन को क्यों नहीं रोक दें ये सारे सवाल उठाकर वो हमारे अंदर हमारे स्पेस में खेल रहे हैं मेरे ख्याल से बहस को अब यहाँ से उठाकर उनके स्पेस में ले जाने की जरूरत है वरना हम लगातार डिफेंसिव खेलते रहेंगे और डिफेंसिव खेल के कोई लड़ाई जीती नहीं जा जाते अब गोल बचा भी लेंगे तो भी तो गेम ड्रॉ होगा अल्टीमेटली क्या एक एक गेम की कल्पना कीजिए कि एक लाइन खींची हुई है बीच की लाइन है इस पार हम खेल रहे हैं उस पार आप खेल रहे हैं आप मेरे साइड में खेल रहे हैं और लगातार आप मेरी साइड में बने हुए हैं हम बॉल को लाइन को उस पार भेज ही नहीं पा रहे हैं तो या तो मैं हारूंगा या गेम जीरो जीरो पे खत्म होगा दो सबसे अच्छी सिनेरियो हमारा ये होगा कि हम इस आरक्षण को बचा लेंगे लेकिन इससे तो बात नहीं बन रही है आप इतने साल के आरक्षण के बावजूद अपर जुडि, जुडिशरी अपर ब्यूरोक्रेसी, मीडिया सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर में कहीं पर तो नहीं है तो अल्टीमेटली आरक्षण की बहस अगर 50 प्रतिशत को बचाने की है तो हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस अभी तक का आज का तारीख का दो 2015 का सच यही है कि हम इस देश को शासन चलाने वाली संस्थाओं में कहीं नहीं पहुंच पाए हैं और इस देश में इस वजह से इस देश में सामाजिक लोकतंत्र दरअसल स्थापित भी नहीं हुआ है ये बाबा साहब फुले के सपनों का देश नहीं बन पाया है तो बहस को उस पार ले जाने की जरूरत है अगर इसके बगैर तो कम से कम कुछ नहीं बन रहा है तो बहस को उस पार क्या कैसे ले जाए मेरे ख्याल से दो सवाल बुनियादी तौर पर आज की तारीख में हम लोगों को उठाने चाहिए एक जो सवाल इस बार लालू प्रसाद यादव ने चुनाव से पहले उठाया था मुझे नहीं मालूम कि चुनाव के बाद वो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे कि आरक्षण आबादी के अनुपात में होना चाहिए अगर तमिलनाडु का 69 परसेंट आरक्षण इस देश के संविधान का हिस्सा है अनुसूची का किसी कोर्ट ने उसको स्टक डाउन नहीं किया है इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है पार्लियामेंट्री वैलिडिटी है जुडिशियल स्क्रूटनी से खरा उतरा हुआ 69 परसेंट आरक्षण अगर तमिलनाडु दे सकता है तो बाकी राज्यों की सरकारों को और केंद्र सरकार को देने से कौन रोक रहा है हम अगर बहस को वहां ले जाएंगे तो शायद हम बॉल को वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर हम भी शायद कोई गोल कर पाएंगे तो एक तो बहुत बुनियादी सवाल है इस देश का शायद इस देश के सामाजिक लोकतंत्र का एक डिमांड होना चाहिए 69 परसेंट सिर्फ 69 परसेंट मतलब फर्स्ट स्टेप के तौर पर वो आगे बढ़ा के आप कहीं और ले जाएं तिहत्तर परसेंट भी कुछ राज्य ले गए थे जो कि फंसा हुआ है क्योंकि कारसेंसस नहीं हुआ है तो इस देश की किसी भी उस संगठन की बुनियादी मांग अगर कोई दो मांग हो इस देश में या तीन मांग हो तो उसमें एक मांग तो ये होनी चाहिए कि देश सबका है कुछ लोगों का नहीं बन पाया इस वजह से इस देश में सबकी हिस्सेदारी नहीं है अगर सबका देश है और देश सिर्फ झंडा और नक्शा नहीं है तो इस देश में सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण को उस अनुपात में ले जाना चाहिए जो आबादी का अनुपात है और कम से कम 69 परसेंट तो करना ही चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है पार्लियामेंट्री वैलिड तरीके से वैलिड है और जुडिशियल स्क्रूटनी में भी खड़ा उतरा हुआ है तो एक तो डिमांड ये अगर की जाएगी तो शायद उधर के हमले हमारे स्पेस में नहीं होंगे वो अपना बचाने में लगेंगे उसके बाद वो डिफेंस डिफेंसिव वो खेलेंगे आप ऑफेंसिव खेल रहे होंगे तो मेरे ख्याल से एक तो ये करना चाहिए दूसरा हम लोगों को अब ये सवाल उठाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए वो दरार शायद उतनी आसानी से नहीं पड़ेगी लेकिन अपर कास्ट पूरा का पूरा उसको हम कई बार एकजुट कर देते हैं जब उसको हम सवर्ण या अपर कास्ट कहते हैं तो विरोधी पक्ष को एकजुट कर देना खराब रणनीति है बैड पॉलिसी मेरे ख्याल से ये सवाल उठाए जाने चाहिए छोटे छोटे जगहों पर हो सकता है कि पूरे देश के आंकड़े तो नहीं है लेकिन एक कॉलेज का आंकड़ा तो मिल सकता है कि इस कॉलेज में जो अपर कास्ट है उसके टीचर्स में कौन अपर कास्ट है अपर कास्ट का मतलब इस देश में अपरकाश जैसी जात तो मनु ने नहीं बनाई थी गीता में अपर तो नहीं बना था तो कौन कहाँ पर है ये सवाल भी शायद उठाया जाना चाहिए अपरकाश्च को एकजुट कर देना ये मेरे ख्याल से गलत रणनीति होगी इसको नहीं हम, हम अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि पूरे के पूरे, पूरे अपरकाश्च को एक साथ ब्रांड करके जैसे ही हम करते हैं उनको कम से कम एकजुट कर देते हैं क्योंकि उनकी ब्यूरोक्रेसी से लेकर सब जगह बहुत ज़्यादा वो हैं तो वो बहुत बड़ा बड़ी संख्या बन जाती है वो अठासी अट्ठासी अट्ठासी जो सेक्रेटरी लेवल पोजिशन से है केंद्र सरकार की के सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की जो सेक्रेटरी लेवल पोजिशन है वो अचानक अपर कास्ट बन जाता है लेकिन अगर हम उसमें पता कर लें कि उसमें अठासी में छियासठ तो एक ही जाति के हैं तो शायद उनकी यूनिटी भी हम तोड़ पाएंगे तो यहाँ ये कोशिश करनी चाहिए मुझे नहीं मालूम कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हम लोग कोई भविष्य नहीं है लेकिन स्ट्रेटजी के तौर पर मेरे ख्याल से ये भी एक कोशिश होनी चाहिए तीसरा कास्ट सेंसस के सवाल को केंद्रीय प्रश्न बनाया जाना चाहिए और ओबीसी सेंसस की बात नहीं करनी चाहिए ओबीसी सेंसस करते ही जो कास्ट सेंसस का जो दूसरा हिस्सा है कि अपर कास्ट के अंदर के सेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन उससे हम उनको आजाद कर देते हैं आज की तारीख में अगर ये पता चल भी गया कि इतने परसेंट शेड्यूल कास्ट हैं इतने शेड्यूल ट्राइब हैं और इतने ओबीसी हैं और इनकी सामाजिक स्थिति ये है तो ये इस देश का पूरा सामाजिक सच नहीं है इस देश का सामाजिक सच शायद ये भी सामने आएगा कि जिस तबके की जिस जाति की आबादी शायद डेढ़ परसेंट होगी वो शायद इस देश के बड़े पदों पर पचासी प्रतिशत पचास प्रतिशत पर बैठा हुआ पाया जाएगा तो इस संभावना को हम शायद खत्म कर देते हैं जब हम सिर्फ ओबीसी सेंसस की बात करते हैं और कास्ट सेंसस तो फिर कास्ट सेंसस है सारी जातियां गिनी जाए हर जाति के सामाजिक स्थिति का पता चले हर जाति के बारे में पता चले कि सरकारी नौकरी में वो कितने हैं किसके पास कितने पक्के मकान हैं आज की तारीख में हमको अब एस सी वाले आंकड़े दे रहे हैं कि कास्ट के पास इतने कच्चे मकान है शेड्यूल ट्राइब के पास इतने मकान है बाकी इतने के पास है हमको तो नहीं इससे नहीं पता चल पा रहा है हमको तो और थोड़ा थोड़ा और मतलब थोड़ा और खोलिए ना इतना सा खोलने के बाद तो हमको कुछ भी नहीं पता चला ये अगर पूरा खुलेगा इस देश में मतलब पूरा सच जानने को लेकर इतना भय इतना डर इतना आतंक इतना आतंक तो मतलब अल्टीमेटली जो इस देश की सच्चाई है वही तो सामने आनी है तो ये सच्चाई अगर सामने आ जाती है तो जिसको डरना चाहिए वो डरे लेकिन जिसको नहीं डरना चाहिए उसको मेरे ख्याल से इसकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए मोटे तौर पर आ, मुझे यही कहना था और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना पहला सेशन तो मेरे लिए बहुत ही आ, कई सारे और बहुत सारे तर्क दे गया तनोज साहब के तर्क भी मैंने सुने और आप लोगों से मिलने जुलने का मौका भी मिला बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर को देने के लिए और मैं कामना करता हूँ कि वामसेफ जो कर रहा है जो बहुत चुपचाप करता है बहुत खामोशी से करता है लेकिन जिसकी आवाज़ इस देश में सुनी जाती है आप लोगों की कामयाबी की कामना करता हूँ धन्यवाद जयपुर